हाँ यही राज है एक्चुअली, तो इसको भी फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि है ना। नहीं यार मैं कहाँ से लगता हूँ विलेन, एक्चुअली मैं नहीं हूँ, बट हो जाते हैं ना कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हाँ जी आपकी कौवा बिरयानी बहुत फेमस हुई थी, हाँ जी। तो अब ये इश्किया में कोई दूसरी बिरयानी आप लंच हो गया क्या? नहीं ना। और मेरा एक सवाल है कि आप हाँ बिल्कुल पूछिए। आप कुछ और एक नया वर्ड लेकर आने वाले हैं कौवा बिरयानी के बाद? ये सवाल है ये सवाल है तो ऐसा से जवाब है कि देखते हैं आ गया तो ले आएंगे। साढ़े तीन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट 33rd एंड 1/3 होगी। एक अच्छा सवाल पूछ ले कसम से यार, मैं तो गले लगा लूंगा। मैं एक अच्छा सवाल पूछ ले यार, आप किसी को डेढ़ छाना मिला? पता नहीं मुझे यार कौन डेढ़ छाना, मैं डेढ़ छाना से मिलता ही नहीं यार। सेम आंसर। बाकी पता नहीं आपसे तो आज मिली हूं इश्किया मैंने देखी थी पहले और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जो जब उन्होंने कहा कि एक सीक्वल बना रहे हैं जिसमें वी वांट टू कास्ट यू, तो मैं गई थी मिलने के लिए। उन्होंने स्टोरी सुनाई और मुझे अपना कैरेक्टर किरदार बहुत पसंद आया। आई थॉट इट वाज अ वंडरफुल स्क्रिप्ट। देर इज़ एवरीथिंग, देर इज़ रोमांस, देर इज़ यू नो ट्रस्ट, बिट्रेयल, एवरीथिंग इन द मूवी। और एक बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट मुझे लगी और इट वाज थरली एंजॉयबल, सो I said yes to it. Well, मैंने ऑफ कोर्स फर्स्ट इश्किया देखी है, बट उसका इससे कोई लेना देना है नहीं। वो अलग स्टोरी है। ऑफ कोर्स बोथ द कैरेक्टर्स पीट बैर अरशद नसीर सब बब्बन खालूजान, वो एक नई जगह पे आते हैं। जैसे आपने ट्रेलर में देखा है, इन दोनों औरतों से मिलते हैं और उनको इश्क हो जाता है और उसके बाद दिस होल स्टोरी स्टार्ट। सो वैन ऑफ कोर्स आई स्टिल रिमेम्बर अभिषेक एट कॉल मी, उस दिन 26 जनवरी था और मैं सो रही थी। पिक्ड अप द फोन, ही सेड एंड ही स्टार्टेड सेइंग, ओ यू नो आई हैवंट कॉल्ड यू लॉन्ग टाइम, आई हैड रेड फॉर द फिल्म एंड बहुत दिन से फोन नहीं आया था, मुझे लगा मे बी यू नो ही डजंट वांट टू कास्ट मी। एंड आफ्टर लाइक हाफ एन आवर ही टेल्स मी, ओ सो यू डूइंग द फिल्म? सो आई थॉट अरे, बट आई थॉट यू वर बीइंग नाइस एंड यू हैड कॉल्ड टू से कि तुम फिल्म नहीं कर रही हो, मे बी विल वर्क अगेन और समथिंग। But yeah, but no, I when I read the script, I loved it. I loved the characters. They're far more madder. It's a far more irreverent, badtameez kisam ki film hai. Matlab bahut mazedar hai. I think that's the best thing about this one. The first one is very heavy, it's very intense, but this one is more fun, and I think that's why it, you know, I think everyone's going to enjoy it a little bit more. यू नो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे हमेशा ही फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म आई ऑलवेज वर्क विद वेरी वेरी गुड एक्टर्स, यू नो एंड आई हैड द प्रिविलेज, आई कैन से दिस वेरी हम्बली, दैट आई वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ आर टाइम्स। सो विद दिस फिल्म ऑल्सो, यू नो आई थिंक वर्किंग विद एवरीबडी वॉज सो गुड। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इश्किया दिस एज अ फ्रेंचाइज इज दैट इट्स ऑलवेज ब्रॉट टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर्स विद डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट स्टाइल्स, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर डेड इज वेल, बिकॉज ऑल ऑफ अस इन द फिल्म bring a completely unique and a completely quirky mad element to the film. Okay, Madhuri ji, hi. मेरा सवाल आपसे ये है कि डेढ़ इश्का के अलावा कई सारी स्क्रिप्ट आपके पास आई, आपको ऑफर किया गया लेकिन आपने मना कर दी, सिर्फ डेढ़ इश्का को साइन किया था उस वक्त, क्या वजह थी डेढ़ इश्का को साइन करने की? क्योंकि वो डेढ़ थी
नहीं, आई थिंक क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर मेरा बहुत अच्छा लगा जो बेगम पारा का कैरेक्टर है, और पूरी स्क्रिप्ट ही मुझे अच्छी लगी थी. जो सब इक्वेशंस हैं सब एक्टर्स के, सब कैरेक्टर्स के एक दूसरे के साथ, बहुत मज़ेदार हैं. चढ़ उतार उसमें बहुत सारे हैं, और उतार चढ़ाव उसमें, गिव एंड टेक बहुत है, और जो एक कमरेडरी है टुवर्ड्स द एंड, आई थिंक वो सब मुझे बहुत भाग गई. तो दैट्स व्हाई आई डू. क्योंकि हमने ये फिल्म पूरी डेढ़ शिफ्टों में की है. हर शिफ्ट डेढ़ शिफ्ट थी, तो हमने सोचा. आप बताइए. पहली वाली इश्किया जो थी वो एक लार्ज ड्रिंक था, ये पटियाला है, दैट्स व्हाई ये डेढ़ इश्किया. माधुरी जी ठीक सामने आपके यहाँ, जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा बहुत ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं आप. उसके अलावा कुछ ही टाइम के बाद गुलाब गैंग में भी आप आ रही, हमने देखा गुलाब गैंग का पोस्टर आया है, बहुत ही फियरलेस, बहुत ही कोई ऐसे कोई देवी के रूप में लग रही हैं. तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जब आप फिर से कम बैक किया आपने, तो आप डिफरेंट डिफरेंट अवतार में नजर आने वाली हैं माधुरी जी अपने दर्शकों के सामने. ये कम बैक एक बार होता है, फिर से नहीं होता है. आप फिर से बोल रहे कम बैक, तो कितने कम बैक करूंगी मैं. लेकिन हाँ, ये दो बहुत ही अलग किस्म के रोल्स हैं, बहुत एक दूसरे से बिल्कुल परे हैं. गुलाब गैंग अपनी तरफ है, लेकिन बेगम पारा का जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग है. और आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम डूइंग ये दो बहुत ही अलग रोल्स.